नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने इस वीडियो में मैं जानकारी देने वाली हूँ फोड़े के बारे में, जिसको कि हम बॉयल कहते हैं या एब्सेस भी कहते हैं। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि किन कारणों की वजह से यह समस्या देखने में आती है और कौन से लक्षण हम इस फोड़े की कंडीशन में देखते हैं, और अगर आपको बार बार फोड़ा हो रहा है तो इस कंडीशन में आप कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। इसके अलावा मैं कुछ सिम्टोमेटिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगी जो कि आप अपने लक्षणों के आधार पर ले सकते हैं, और अंत में एक होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन बताऊंगी। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में अंत तक, ताकि आप इसका पूरा का पूरा फायदा उठा सकें। और अगर आप ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर ये मेरी जानकारी आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों, फोड़ा क्यों होता है पहले हम ये जान लेते हैं। तो हमारी स्किन पर आपने देखा होगा हेयर पाए जाते हैं, इन हेयर की जड़ों में हेयर फॉलिकल होते हैं। किन्हीं कारणों की वजह से जब हेयर टूट जाता है तो हेयर फॉलिकल जो है वो एयर के कांटेक्ट में आ जाते हैं, और एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से इनमें इन्फेक्शन हो जाता है और सारे इन्फ्लेमेशन के साइंस जो हैं वो दिखने लगते हैं। जैसे कि हेयर फॉलिकल में जब इन्फेक्शन हुआ तो वहां पे रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, वो अफेक्टेड एरिया जो है वो गर्म हो जाता है दूसरी स्किन की अपेक्षा। वहां पे आप टच करेंगे तो वहां हीट होगी, दर्द होगा वहां पर, और जिस जहां पे इसकी इन्फेक्टेड होगी, जहां पे फोड़ा होगा, वो पार्ट आप मूवमेंट करने में वहां पे दिक्कत होगी। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स बॉयल की कंडीशन में, फोड़े की कंडीशन में देखने में मिलते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कौन सा कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया है वह स्टेफाइलोकॉकस बैक्टीरिया होता है, उसी के इन्फेक्शन की वजह से यह बॉयल की समस्या जो है वो देखने में आती है। तो जैसे ये बैक्टीरिया हमारे स्किन के कॉन्टैक्ट में आता है, जब हेयर फॉलिकल एक्सपोज हो जाते हैं, हेयर के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, तो इस बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन होता है, और इन्फेक्शन होने के बाद वह एरिया जो है, इन्फेक्टेड एरिया जो है वो एक उभार के रूप में दिखाई देता है जिसको हम लंप कहते हैं। यह रेड होता है, यहाँ पे स्वेलिंग होती है, और धीरे धीरे यहाँ पे दर्द भी होने लगता है, यह दर्द बढ़ता जाता है, और धीरे धीरे इस लंप में पस आने लगता है, येलो कलर का पस आने लगता है, और ये दर्द और बढ़ता जाता है, और जब तक ये पस जो है यह फट नहीं जाता है, बाहर ड्रेन नहीं हो जाता है, तब तक इसमें दर्द बना रहता है, और जैसे ही पस बाहर निकल जाता है तो हमें आराम मिल जाता है। तो ये सारे के सारे सिम्टम एक बॉयल के केस में, फोड़े के केस में देखने को मिलते हैं। यह कंडीशन जो फोड़े की कंडीशन है वह ऐसे लोगों में ज्यादा होती है जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, जैसे कि डायबिटिक लोग हैं, जिनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, ऐसे लोगों में फोड़े की समस्या ज्यादा देखने में मिलती है, या फिर जो एचआईवी मरीज हैं उनमें देखने को मिलता है, या फिर जो पुअर हाइजीन रखते हैं, सफाई ज्यादा नहीं रखते हैं, ऐसे लोगों में भी फोड़े की समस्या देखने में आती है। तो अब हम जान लेते हैं कि कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन आपकी इसमें हेल्प कर सकती हैं। तो अगर आपको जैसे ही फोड़ा हुआ है, बनना शुरू हुआ है, वहां पर रेडनेस है, वहां दर्द बहुत ज्यादा है, हीट बहुत ज्यादा है, बिल्कुल शुरुआती लक्षण देखने में आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप बेलाडोना लें। बेलाडोना को 30 पोटेंसी में आप लेते हैं तो आपको आपकी समस्याओं में काफी आराम मिलता है, और जो फोड़ा है वहां पे आपको पस नहीं बनेगा, वो जल्दी ही सबसाइड कर जाएगा। तो इस कंडीशन में आप बेलाडोना लें, 30 पोटेंसी में लें, दिन में 4 बार लें आप, और 3 से 4 दिन तक लेते हैं तो जो आपका बॉयल है वो ठीक हो जाता है, उसमें पस नहीं बनता है, वो आगे प्रोग्रेस नहीं करता है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है हिपरसल्फ। हिपरसल्फ को किस कंडीशन में लेते हैं? यह बेलाडोना से थोड़ा सा आगे की कंडीशन है, जब आपके फोड़े में रेडनेस हुआ और हल्का हल्का सा पस आने लगा है, बहुत सेंसिटिव टू टच हो चुका है, आप छूने भी नहीं देना चाहते किसी को भी, या आप खुद भी नहीं छूना चाहते, छूने से दर्द होता है, तो इस कंडीशन में आप हिपरसल्फ लें। हिपरसल्फ को 30 पोटेंसी में लें, इसको दिन में आप 3 बार लेते हैं, 3 से 4 बार लेते हैं, और 4 से 5 दिन तक लेते हैं, तो आपका ये जो बॉयल है, फोड़ा है, उसमें पस जल्दी बन जाएगा और ड्रेन होकर के ये अपने आप ही ड्रेन हो जाएगा इसमें से। जैसे आपने अगर हिपरसल्फ आज लिया है तो आपने 2 से 3 खुराकें जैसे ही ली तो उसमें से पस आना शुरू हो जाएगा, और वो पस ड्रेन होकर के आपका जो फोड़ा है वो सूख जाएगा। तो इस कंडीशन में आप हिपरसल्फ लें। नेक्स्ट मेडिसिन आती है मर्कसॉल। मर्कसॉल को हम किस कंडीशन में लेते हैं? इसमें भी सिम्टम्स बिल्कुल हिपरसल्फ की तरह ही होते हैं, लेकिन अगर आपको स्वेटिंग, फोड़े के साथ साथ
आपको स्वेटिंग बहुत ज्यादा आ रही है, प्यास भी बहुत ज्यादा लग रही है, और जो फोड़े वाला एरिया है वो रात में बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, तो इस कंडीशन में आप मगसॉल लें। मगसॉल को 30 potency में लें दिन में 4 बार, और लगभग 4 से 5 दिन तक लेते हैं तो आपका जो फोड़ा है वो ड्रेन होकर के सूख जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन मैं बताने जा रही हूँ साइलिशिया के बारे में। इसको किस कंडीशन में लेते हैं, अगर आपका जो फोड़ा है वो काफी दिनों तक बना हुआ है, उसमें पस भी नहीं जल्दी बन जा रहा है कि वो ड्रेन हो जाए, काफी दिनों तक बना हुआ है, बहुत परेशान कर रहा है, तो इस कंडीशन में आप साइलिशिया अगर ले लेते हैं तो उसमें पस फॉर्मेशन जल्दी हो जाएगा, और उसके बाद साइलिशिया लेने के बाद आप उसको जैसे ही पस फॉर्मेशन हो जाए आप उसके बाद हिपर सर्फ ले लेते हैं 30 potency में। साइलिशिया को भी आपको 30 potency में ही लेना है, 2 दिन तक आप साइलिशिया 30 ले लें, और उसके बाद हिपर सर्फ 3 से 4 दिन तक ले लेते हैं, उसकी 3 से 4 doses दिन भर में, और 3 से 4 दिन तक तो आपका ये जो फोड़ा है वो हमेशा के लिए सूख जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है आर्सेनिकम एल्बम। इसको किस कंडीशन में लेते हैं, अगर आपके फोड़े में जलन बहुत ज्यादा हो रही है, आप दर्द तो हो रहा है उसके साथ साथ जलन बहुत ज्यादा उसमें हो रही है, जलन के साथ साथ आपको कोल्ड मतलब ठंडी चीजों से आराम नहीं मिल रहा है, गर्म चीजों से आराम मिल रहा है, सिकाई करने से आराम मिल रहा है, या हल्का हल्का लिक्विड वाटर डाल लें तो आराम मिल रहा है, तो इस कंडीशन में आप आर्सेनिकम एल्बम लें। इसके साथ ही साथ ये फोड़ा जो है इसमें जलन तो हो रही है, रात में बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, तो इस कंडीशन में भी आर्सेनिकम एल्बम बहुत ही हेल्पफुल मेडिसिन है। आप 30 potency में लें दिन में 3 बार लें आप इसको सुबह दोपहर शाम को, और 3 से 4 दिन तक लेते हैं तो आपको आपकी समस्याओं में काफी आराम नजर आता है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है कैल्केरिया सल्फ। अगर आपके फोड़े से येलो कलर का पस निकल रहा है तो इस कंडीशन में कैल्केरिया सल्फ बहुत ही हेल्पफुल मेडिसिन है। इसको आप 3x potency में ले लेते हैं 4 से 5 दिन तक, दिन में ये ग्लोबुल से मिलेगा, दिन में आप 4 बार ले लें इसकी ग्लोबुल को सुबह दोपहर शाम रात, और 4 से 5 दिन तक ले लेते हैं तो आपका फोड़ा जो है वो सूख जाता है। अब मैं बताने जा रही हूँ होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन के बारे में। अगर आपके जो सिम्टम्स हैं जो मैंने मेडिसिन बताई हैं उनसे नहीं मैच खा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, तो इस कंडीशन में आप हिपर सल्फ और मर्कसॉल को ले लें 30 potency में आप ले लें, दोनों को ऑल्टरनेट करके हर 2-2 घंटे के अंतर पर लगभग 4 से 5 दिन तक ले लेते हैं, और इसके साथ ही साथ कैल्केरिया सल्फ 3x potency में दिन में 4 बार इसकी 4 ग्लूकोज ले लेते हैं, और साथ में हिपर सल्फ और मर्कसॉल 30 दिन में आपको अल्टरनेट करके हर 2-2 घंटे के अंतर पर लेना है, और लगभग 4 से 5 दिन तक ले लेते हैं तो आपके जो फोड़ा है वो सूख जाता है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो जरूर इसको लाइक करें, जरूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में दूसरे नए टॉपिक के साथ मैं फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।